मोगा की त्योहारों को देखते हुए मोगा पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैदी कर रही है। चेकिंग के दौरान CIA स्टाफ की ओर से थाना बढ़नी के एरिया में नाकेबंदी की गई। इस दौरान दो कार में तकरीबन 100 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने थाना बढ़नी में चार लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य दो आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। चार दोषी ने, जिन्हां चो दो दोषी गिरफ्तार हो गए ने, ते ए CIA स्टाफ मोगा वालों दौराने गश्त करते हुए बदनी एरिया विच रिकवरी हुई।